इससे पहले हमने क्या देखा था, एक शॉर्टकट में हम जानकारी लेते हैं कि ये मंत्री है जगतराम के, उसने अपने राजा को क्या बोला है कि मुझे अब सेवा मुक्त कर दीजिए। लेकिन राजा ने वो मंत्री को क्या बोला है जगतराम को, कि मैं आपको सेवा मुक्त कर दूंगा, लेकिन आपके जैसा मुझे ईमानदार परोपकारी और सेवा भावी पहले मंत्री ला दीजिए, फिर मैं आपको सेवा मुक्त कर दूंगा। तो दूसरे वही दिन ये जगतराम ने दूतों से कह के, सैनिकों से कह के बोला कि गांव में ढिंढोरा पिटवा दो और बोलो कि गुरुवार के दिन 11 बजे राज दरबार में नव मंत्री की चुनाव है, तो सबको ठीक 11 बजे राज दरबार में आना है। तो गुरुवार के दिन सुबह से नव युवक राज दरबार की ओर बढ़ने लगे। इतने में क्या हुआ, रास्ते पर एक जो वृद्ध था उसका बैलगाड़ी का पहिया किसने फंसा था बच्चों, बहुत अच्छा जड़ में फंसा था। तो उसकी वो बहुत बार कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कीचड़ से उसने अपना बैलगाड़ी का पहिया निकालने में वो क्या हुआ, असफल हुआ। तो असफल होने के बाद फिर वो वहीं पे हताश होकर बैठ गया। लेकिन उसी रास्ते से बहुत सारे नवयुवक उम्मीदवार जा रहे थे, लेकिन उन्होंने वो दृश्य देख के भी अनदेखा किया। अब देखिए पन्ना नंबर 6 पे आगे क्या होता है बच्चों। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर, उम्मीदवार युवकों में, उम्मीदवार मीन चुनाव के लिए आए हुए युवकों में, लड़कों में एक युवक था, उसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। देखो कर्मवीर क्या था, एक निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था, उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। देखो जो कर्मवीर नाम का नवयुवक था वो उसी रास्ते से चुनाव के लिए जा रहा था। तो जब वो राजदरबार की ओर जा रहा था तो उसी समय बैलगाड़ी वाला जो वृद्ध है उसने फिर से अपने पहिए को कीचड़ से निकालने की कोशिश प्रयास जारी किया। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। देखो जब अभी बाकी लोगों ने उसे देख के भी अनदेखा किया है, लेकिन ये जो कर्मवीर नाम का युवक है हाँ, तो उसने फिर वो दृश्य देखा कि एक बूढ़ा आदमी कीचड़ से क्या निकाल रहा है, जो बैलगाड़ी का पहिया निकाल रहा है और उनसे वो निकल ले रहा है। तो उसने राज दरबार में जाने का जो चिंता थी वो उसने वहीं पे छोड़ दी और पहले जो बूढ़ा वृद्ध था बैलगाड़ी वाला वो उस पहिए को निकालने के लिए कर्मवीर कीचड़ में उतर गया। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने नम्रता से मना कर दिए। देखो जब कर्मवीर कीचड़ में उतरा तो उसने पहिया निकालने में वो सफल रहा। फिर जो वृद्ध था उसने वो कर्मवीर को ढेरों आशीर्वाद दिए। देखो आप लोग भी अगर घर में अच्छा कुछ काम करते हो या कुछ त्योहार होते हैं तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनका आशीर्वाद लेते हो क्या, दादा दादी मम्मी पापा तो लेना चाहिए, उनके आशीर्वाद से ही हमें आगे अपनी उन्नति होती है। तो मतलब आप बोलेंगे आशीर्वाद लेने से ही हमारा दिन मतलब एक एक के बाद एक दिन निकल जाएगा, वैसे ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही होगा बच्चों। तो देखो कर्मवीर ने राज दरबार में टाइम से पहुंचना है ये वो भूल गया, लेकिन उसने पहले कीचड़ से पहिया निकाला और पहिया कीचड़ से वो बाहर निकलने के बाद वृद्ध ने उसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए और कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन कर्मवीर ने बड़ी विनम्रता से मतलब नम्रता पूर्वक
उनसे वो पैसे नहीं लिए। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर घर पर पहुंचा। वो हफ्ता रहा था। देखो फिर उसका टाइम कहाँ गया बच्चों? बहुत अच्छा, उसका टाइम टीचर से पहिया निकल गया था। और वो देर हो गई इस आशंका से वो दौड़ते भागते कर्मवीर कहाँ पहुंच गया? राज दरबार पहुंचा। और आप लोगों को भी तो पता है, अगर हम भागते हैं कुछ कहीं कुछ काम जल्दी जल्दी करते हैं तो हमें हाँ आ जाती है, मतलब दम लगता है, ऐसे बोलते ना मराठी में आप, तो हम ऐसे हाँपते हैं। तो वैसे ही कर्मवीर हाँपता हुआ वहां पहुंच गया। उसके कपड़े टीचर से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। देखो बच्चों उसके कपड़े, वो जब वो हाँप रहा था तो वो उसका ध्यान अपने कपड़े तक नहीं गया, लेकिन दरबारियों ने वो देखा कि उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, मतलब कीचड़ से वो कपड़े पूरे उसके भरे हुए थे। सारे उम्मीदवार उस पर उसे देखने देखकर हंसने लगे। देखो लेकिन कर्मवीर का ध्यान वहाँ पे नहीं पहुंचा क्योंकि कीचड़ से भरा हुआ। वो भागते दौड़ते कहाँ गया था बच्चों? राज दरबार में। और वहाँ जा जाके देखने के बाद उम्मीदवार ने उसको कीचड़ से भरा हुआ देख के वो जोर जोर से हंसने लगे। तभी परिवारी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। देखो बच्चों सब उम्मीदवार हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वो वृद्ध भी वो राजदरबार में पहुंचा। और वो वृद्ध कोई और नहीं तो वो जगतराम मंत्री थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज कर्मवीर में सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। देखो फिर मंत्री ने जगतराम ने सारी जो घटना थी वो राजा को उन्होंने सुनाई। क्या घटना होगी बच्चों? कि ये जो कर्मवीर है उसने मेरे बैलगाड़ी का पहिया निकल ले रहा था मुझसे, तो उसने मेरी सहायता की है और सहायता करने के पर वो सब जख्म हो गया है। और ये युवक अपना मंत्री होने लायक थे। महाराज कर्मवीर ने वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। देखो फिर जगतराम ने बोला कि मंत्री में जो गुण होने चाहिए, जो ईमानदारी होनी चाहिए, जो परोपकारी होनी चाहिए, वो सारे के सारे किसमें हैं? कर्मवीर में हैं। तो उसे ही राजा का मंत्री बनाया जा सकता है। सारी बातें जानकर राजा मंगल सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जब राजा ने वृद्ध जगतराम मंत्री का ये सब सुना, किस्सा जो कहानी हुई थी कैसे कर्मवीर ने उनकी मदद की है, तो राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, देखो अपने सामने अगर छोटे भाई या बड़े भाई बड़ी बहन को लग गई तो हमें थोड़ा दुख होता है कि नहीं? हाँ तो होना ही चाहिए, नहीं होता होगा तो जैसे कर्मवीर को बड़े आदमी की दया आई, उसने अपना दुख समझ के उसका पहिया निकाल दिया, तो जो दूसरों का पीड़ा दुख देख के अपना दर्द समझता है और उसको दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने योग्य अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। फिर जब राजा को जगतराम ने जो बताया उसके ऊपर उसको गर्व हुआ, अच्छा लगा। और ये सब जानने के बाद फिर राजा बोला कि जो दूसरों के दुख देख के उसको दूर करने का प्रयास करता है वही अपने राज्य दरबार में उच्च मंत्री पद के लिए ठीक है, वही अधिकारी बनने योग्य है। तो जगतराम जी ने भी योग्य चुनाव किया है, योग्य युवक निवड़ा है, तो आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हैं। तो बच्चों कैसे लगे आपको ये कहानी, ये लेसन योग्य चुनाव? इसकी कुछ शब्दार्थ निकली दिए हैं,
एक बार अच्छे से पढ़ना है और जो भी हिस्सा आप लोगों को अच्छा लगे वो आपकी कॉपी में गुड हैंड राइटिंग में अच्छे हस्ताक्षर में लिख के